देश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी बीच पिछले 24 घंटे में 2,67,331 नए कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जबकि 1,22,311 संक्रमित रिकवर हुए हैं। इसके अलावा 398 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। इस तरह एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या की बात करें तो 1,44,622 की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल देश में 14,10,000 एक्टिव केस हैं। तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 14 लाख के पार पहुंचे हैं। वहीं नए संक्रमितों में महज 3,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इधर कोरोना के इलाज की दवा मोलनोपिराविर को बिक्री और इस्तेमाल पर ओडिशा सरकार ने ड्रग रेगुलेटर ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार के नियामक ने कहा है कि जब तक यह पूरी तरह साबित न हो जाए कि दवा पूरी तरह सुरक्षित है, इसके इस्तेमाल और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगानी चाहिए। वहीं सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि किसी भी नई दवा की सुरक्षा प्रभाव जांचने और दवा के इस्तेमाल की अनुमति देने का काम केंद्र का है। ओडिशा सरकार की एक टेक्निकल कमेटी ने दवा पर रोक की सिफारिश की थी, जिसके बाद ये रोक लगाई गई है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिस प्रकार से डेटा आ रहे हैं 14 लाख के पार एक्टिव केस पहुंच गए। बिल्कुल, एक्टिव केस तेजी से पूरे देश के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना संक्रमण के जिस तरह से आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, उसी के चलते एक्टिव केसेस की संख्या भी बढ़ती जा रही है। देखिए, बात करें बीते 24 घंटे में तो देश के अंदर 2,67,331 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, तो वही ठीक होने वाले की जो संख्या है वो भी 1,22,311 रही है। लेकिन बीते 24 घंटे में 398 लोगों की इस कोरोना से मौत भी हुई है, जो एक अपने आप में बड़ा मामला है। साथ साथ बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या जिस तरह से तेजी से बढ़ती जा रही है, उसमें संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 14,10,000 के करीब एक्टिव केस पूरे देश के अंदर है, जो लगातार इलाज ले रहे हैं। साथ साथ तीसरी लहर में एक्टिव केस की संख्या पहली बार 14 लाख से अधिक पहुंची है। साथ ही जो नए संक्रमितों में 3,000 की बढ़ोतरी एक बार फिर से जो देखने को मिल रही है, वो एक गंभीर मामला है, क्योंकि बीते 24 घंटे में जिस तरह से शुक्रवार को जो केस आए थे उसके मुकाबले गुरुवार को संख्या में कमी थी, लेकिन शुक्रवार को बढ़ोतरी दिखी गई है। ऐसे में आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। साथ साथ बात करें तो अब तक देश के अंदर कोरोना से 4,85,748 लोगों की जान जा चुकी है, जो एक गंभीर मामला है, क्योंकि 4,85,000 से अधिक लोगों की मौत होना, साथ साथ एक्टिव मरीजों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिलना, क्योंकि देश के अंदर अब तकरीबन 14,10,000 से अधिक एक्टिव केस के मामले हैं, वो मौजूदा समय में है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते बढ़ोतरी के चलते जो इलाज करा रहे मरीजों की और ठीक होने वाले की जो संख्या है वो बेहद कम है और एक्टिव केस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। साथ साथ जो कोरोना की जो इलाज की जो दवा है मोलनोपिराविर, इसकी बिक्री को लेकर भी इस्तेमाल पर ओडिशा सरकार के ड्रग रेगुलेशन ने रोक लगा दी गई है, क्योंकि राज्य सरकार के नियामक की ओर से कहा गया है कि पूरी तरह से ये ठीक साबित नहीं हुई है। साथ साथ ये दवा पूरी तरह से जो ना तो साबित हुई है कि ठीक से सुरक्षित है, ऐसे में बिक्री पर रोक लगाई गई है। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इस दवा की पूरी तरह से सुरक्षा और जांचने उसके बाद ही अनुमति देने का काम किया गया, लेकिन कई राज्य सरकारें इसकी अभी बिक्री पर रोक लगाई है। साथ साथ जिस तेजी से कोरोना के जो एक्टिव केस बढ़ते जा रहे हैं, जो एक गंभीर मामला है, देखिए एक्टिव केसेस की संख्या की बात करें तो एक्टिव केस ठीक होने वालों से अधिक रहे हैं। 1 जनवरी को ठीक होने वालों की जो संख्या है वो 9,000 थी, तो वही एक्टिव केस में बढ़ोतरी वो 18,000 हुई है। साथ साथ उसी तरह से तेजी से बढ़ती हुई 5 जनवरी को एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 71,000 प्रतिदिन हुई थी, साथ साथ ठीक होने वालों की जो संख्या है वो 19,000 थी और तेजी से लगातार बढ़ती जा रही है। और अब 14 जनवरी को जिस तरह से जो एक्टिव केस की संख्या बढ़कर जो बढ़ी है वो 1,44,000 एक्टिव केस की संख्या बढ़ी है, ठीक होने वाले की जो संख्या है वो 1,22,000 के करीब रही है। ऐसे में जो तेजी से बढ़ती जा रही है,
बात करें तो रिकवरी प्रतिशत की, तो रिकवरी में भी जो जिन राज्यों में तेजी है उसमें छत्तीसगढ़ के अंदर 77% से तेजी से रिकवर हो रहे हैं मरीज, दिल्ली के अंदर 76% से रिकवर हो रहे हैं, महाराष्ट्र में 74% से रिकवर हो रहे हैं, साथ साथ झारखंड में 68% से रिकवर हो रहे हैं। तो ऐसे में इन कई राज्यों के अंदर रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है। राजस्थान की बात करें रिकवरी रेट में तो मात्र 28% की दर से जो रिकवर मरीज है वो हो रहे हैं, यानी कि बेहद कम संख्या है राजस्थान के अंदर रिकवरी रेट की। सबसे कम रिकवरी रेट आंध्र प्रदेश की है, आंध्र प्रदेश में मात्र 6% रिकवरी रेट के साथ में मरीज ठीक होते जा रहे हैं। साथ ही जो मरीजों के जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो डाटा है वो भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। सबसे अधिक जो मरीज हॉस्पिटलाइज हुए हैं वो है केरल के अंदर, और केरल के अंदर जिस तेजी से जो मरीजों की जो हॉस्पिटलाइजेशन जो घटा है केरल के अंदर सबसे तेजी से घटा है, क्योंकि वहां पर -1.2% के साथ मरीज बढ़ रहे हैं, यानी कि डिस्चार्ज होने वाले की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है गुजरात के अंदर। साथ साथ राजस्थान के अंदर बात करें तो हॉस्पिटलाइज जो बेड बढ़े हैं जिसके अंदर राजस्थान में 9% हॉस्पिटलाइज जो ऑक्सीजन बेड है वो बढ़े हैं, साथ साथ आईसीयू के मरीज है वो मात्र 1% बढ़े हैं। लेकिन गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर सबसे अधिक जो मरीज है वो अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं, और इसके अंदर जो बीते 7 दिनों के अंदर जो केस बढ़े हैं जिसमें 802% केस बढ़े हैं बीते 7 दिन में गुजरात के अंदर, और ऑक्सीजन बेड के अंदर पहुंचने वाले जो मरीजों की संख्या है वो 90% है। तो ऐसे में गुजरात के अंदर सबसे अधिक, और आईसीयू के अंदर भी 89% मरीज है वो गुजरात के अंदर जा रहे हैं। तो हॉस्पिटलाइज मरीजों की संख्या भी गुजरात के वडोदरा और महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर सबसे अधिक देखने को मिल रही है। साथ ही जो सबसे अधिक जो प्रभावी राज्य हैं जिसके अंदर सबसे अधिक महाराष्ट्र में है, अभी तक 24 घंटे में महाराष्ट्र में 43,211 नए मामले सामने आए हैं, साथ साथ ठीक होने वालों की जो संख्या है वो 33,356 रही है। लेकिन 19 लोगों की महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में मौत हुई है जो सबसे अधिक है। ऐसे में एक्टिव मरीजों की संख्या महाराष्ट्र में लगातार बढ़ती जा रही है, और एक्टिव मरीजों की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उसमें अब 2,61,000 के करीब महाराष्ट्र में अब एक्टिव केस है। उसके बाद बात करें तो कर्नाटक में 28,723 लोग संक्रमित पाए गए हैं, साथ ही ठीक होने वाले की जो संख्या है वो 3,105 रही है। 8 लोगों की मौत कर्नाटक में बीते 24 घंटे में हुई है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी कोरोना के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली में शुक्रवार को जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 24,383 लोग नए संक्रमित पाए गए हैं, साथ ही जो नए संक्रमितों की जो संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है उसमें पॉजिटिविटी रेट है वो करीब 30% के करीब है। साथ ही एक्टिव केसेस की संख्या भी दिल्ली में लगातार बढ़ती जा रही है, और 92,273 एक्टिव केस मौजूदा समय में दिल्ली के अंदर है। साथ ही तमिलनाडु चौथे नंबर पर है देश के अंदर, और तमिलनाडु के अंदर भी बीते 24 घंटे में 23,459 मामले आए हैं, साथ साथ 26 लोगों की मौत हुई है तमिलनाडु के अंदर। पश्चिम बंगाल पांचवें पायदान पर है, वहां पर भी 22,000 से अधिक कोरोना के केस आए और 28 लोगों की मौत हुई है। जी बिल्कुल, पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर अब 31% हो चुकी है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और शुक्रवार को जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार 10,307 नए संक्रमित सामने आए हैं, लेकिन 3 लोगों की मौत भी हुई है। साथ साथ ठीक होने वाले की जो संख्या है वो 3,096 रही है। सबसे अधिक राजस्थान के अंदर राजधानी जयपुर से कोरोना के केस देखने को मिल गए, और पॉजिटिविटी रेट भी वो भी जयपुर की सबसे अधिक है। ऐसे में चिंताएं बढ़ना लाजमी है जयपुर के अंदर, क्योंकि सरकार की ओर से सख्तियां बढ़ाई गई है, और कोरोना संक्रमण से जिस तेजी से फैलता जा रहा है उसको कंट्रोल करने का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। ऐसे में अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगातार कोरोना केस बढ़ रहे हैं, चुनावी राज्य है, और 15,975 केस बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में दर्ज हुए हैं। पंजाब में भी चुनाव हो रहे हैं और वहां पर भी 7,554 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देखिए पंजाब की ओर से जिस तरह से राजस्थान में तेजी से केस बढ़ते जा रहे हैं, इसको देखते हुए पंजाब की ओर से जो राजस्थान की जो सीमा लग रही है गंगानगर में, वहां पर जो बॉर्डर को बंद करने का काम भी पंजाब की ओर से किया जा रहा था कि कोरोना के केस पंजाब के अंदर कम हो सके और जो भी संक्रमित है वो पंजाब की तरफ नहीं जा सके। साथ साथ छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड सहित तमाम राज्यों के अंदर
कोरोना के केस देश के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी चिंता जो पांच राज्य हैं जिसके अंदर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और इन तमाम राज्यों के अंदर सबसे अधिक केस आ रहे हैं। राजस्थान के अंदर भी अब आंकड़ा 10,000 से अधिक हो चुका है, तो ऐसे में खतरा पूरे देश के अंदर तेजी से बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश शोला, जिन्होंने बताया कि लगातार तीसरी लहर चिंता बढ़ा रही है। हालांकि राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस स्थिति से निपटने के हर संभव प्रयास में जुटी हुई है।